मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। एक वर्ष हो गए शैक्षिक पटल को। आप सभी के सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगातार शैक्षिक पटल की वीडियो देखे, सुने और अपना अमूल्य सुझाव दिया, साथ ही उत्साहवर्धन भी किया। यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप सबके विचार मुझे और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद से यह सफ़र आगे भी जारी रखने का प्रयास करूंगी और बेहतर विषय लाने की कोशिश करूंगी। मेरा प्रयास रहेगा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सही इतिहास, शिक्षा, जीवन शैली पर बेहतरीन रोचक वीडियो बनाऊँ। स्वामी विवेकानंद के कुछ संदेश। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधक। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। खुद को कमजोर समझना पाप है। जो तुमको कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। हम जो बोते हैं जो वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। स्वामी जी ने युवकों से कहा, तुम्हें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। जब मनुष्य अपने आप से घृणा करने लगता है तब समझना चाहिए कि उस पर अंतिम चोट बैठी है। जब वह अपने पूर्व पुरुषों को मानने से लज्जित होता है तो समझ लो उसका विनाश निकट है। मैं यदि हिंदू जाति में नगण्य व्यक्ति हूँ तथापि अपनी जाति और अपने पूर्व पुरुषों के गौरव से अपना गौरव अनुभव करता हूँ। अपने को हिंदू बताते हुए, एक हिंदू कहकर परिचय देते हुए मुझे एक प्रकार का गौरव सा होता है। मैं तुम लोगों को एक तुच्छ सेवक होने में अपना गौरव समझता हूँ। तुम्हारे अंदर जो कुछ है अपनी शक्तियों द्वारा उनका विश्वास करो, पर कभी दूसरों का अनुसरण करके नहीं। हाँ, दूसरों के पास अगर कुछ अच्छा हो तो उसे ग्रहण करो। औरों के पास से तो हमें कुछ सीखना होगा। औरों से उत्तम बातें सीख कर उन्नत बनो। जो सीखना नहीं चाहता वह पहले ही मर चुका है। वेदांत के विषय में स्वामी जी का कहना था, जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो तब तुम विश्व के से अलग हो। जब तुम अपने आप को जीव समझते हो तब तुम अनंत अग्नि के स्फुलिंग हो। जब तुम अपने आप को आत्मस्वरूप मानते हो तभी तुम विश्व हो। विश्व है परमात्मा का व्यापक रूप। ईश्वर की परिभाषा करना चर्वित चर्वण है, क्योंकि एकमात्र परम अस्तित्व जिसे हम जानते हैं वही है। ईश्वर मनुष्य बना, मनुष्य भी फिर से ईश्वर बनेगा। मनुष्य न तो कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। शरीर मरते हैं पर वह कभी नहीं मरता। विश्व में केवल एक आत्मतत्व है, सब कुछ केवल उसकी अभिव्यक्तियां हैं। धन्यवाद।